हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो ये ECI जैक या T10 का मैच नंबर 11 BCCI वर्सेस UCCI की टीम के बीच में खेला जाएगा। इस मैच के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना ताकि आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग अपनी एक खुद से बेहतरीन टीम बना पाओ। तो दोस्तों, वेन्यू की बात करें तो ये सेम वही वेन्यू रहने वाला है जहाँ पे बाकी के T10 मैचेस खेले जा रहे हैं, उसी वेन्यू पे ये वाला मैच भी खेला जाएगा। मैच टाइमिंग की बात करें तो ये मैच दोपहर में 12:45 से शुरू होगा, तो आप ये चीज़ यहाँ पे देख के चल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि टॉस के बाद की सारी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलेगी और जो मेरी फाइनल टीम होगी जिसके साथ मैं खेलूंगा वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम पर ही देने वाला हूं। तो इस वजह से आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग जुड़ जाइए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो दोस्तों, इस पिच की बात करें तो ये एक ओवरऑल बैलेंस विकेट है और यहाँ पे जो लास्ट 25 मैच खेले गए उसका जो एवरेज स्कोर रहा है वो यहाँ पे 110 रन के आसपास रहा है, तो आप ये चीज़ यहाँ पे देख के चल सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों, हम लोग BCCI की टीम की बात करें तो आपको यहाँ पे हर एक प्लेयर के बारे में यहाँ पे पता चल जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे हर एक प्लेयर का स्टार्स देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे पूरा देखना ताकि आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे जावेद इकबाल, इनकी बात करें 31 मैच खेल चुके हैं T10 में, 88 रन बनाए हैं 13 के एवरेज से, वहीं 31 मैच में 54 ओवर की बॉलिंग भी कराई जिसमें 16 विकेट है। तो जिस प्लेयर के आगे दोस्तों आपको ये ग्रीन टिक देखने को मिल रहा है, ये मैंने उन प्लेयर के आगे लगाए जो अच्छा खासा स्टार्ट्स रखते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ताकि आपको यहाँ पर समझने में थोड़ी सी और आसानी हो, तो आप ये चीज़ यहाँ पर देख के चलना। उसके अलावा दोस्तों, अब्दुल फराद इंपॉर्टेंट रहेंगे, 33 मैच में 71 रन बनाए हैं 14 के एवरेज से, तो बैटिंग से कुछ खास नहीं किया पर 33 मैच में 58 ओवर की बॉलिंग कराई है जिसमें 39 विकेट है, तो लगभग अपने कोटे के दो दो ओवर ये कराते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाहिद महमूद, 30 मैच में 353 रन 19 का एवरेज, लगभग एक एवरेज प्लेयर है। उसके अलावा यहाँ पे साहिल ग्रोवर, 37 मैच 411 रन 16 का एवरेज, 15 ओवर की बॉलिंग कराई है जिसमें 5 विकेट है, तो बॉलिंग उतनी ज़्यादा नहीं कराई है। वैसे अगर इनकी बात करें तो ये विकेट कीपिंग करते हैं, तो अगर ये विकेट कीपिंग करेंगे तो फिर वैसे भी बॉलिंग नहीं कराएंगे और बॉलिंग उतनी ज़्यादा कराई नहीं है, तो आप यहाँ से ये चीज़ यहाँ पे देख के चल सकते हैं। उसके अलावा साजिब भुयान इंपॉर्टेंट रहेंगे, CVCI के एक अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। अगर आप इनका देखेंगे, 38 मैच अभी तक T10 के खेल चुके हैं, 498 रन है, 20 का एवरेज है, 64 ओवर की बॉलिंग कराई जिसमें 30 विकेट है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं CVCI के। उसके बाद यहाँ पे कमलदीप सिंह हैं, 19 मैच में 7 ओवर 3 विकेट। उसके बाद यहाँ पे कपिल कुमार, 14 मैच में 18 ओवर 5 विकेट। तो इस तरह आप यहाँ पे हर एक प्लेयर का यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे साइक्लेन मुख्तार, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 23 मैच में 199 रन भी बनाए हैं 10 के एवरेज से, और 10 ओवर भी इन्होंने कराए जिसमें 2 विकेट है, तो बॉलिंग ज़्यादा नहीं कराई है, इस वजह से मैंने इनको इंपॉर्टेंट वाले प्लेयर के लिस्ट में नहीं रखा है। उसके बाद यहाँ पर रविंद्र बिष्ट, इनका देखेंगे आपको ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेंगे, 23 मैच में 62 रन बनाए हैं 29 ओवर की बॉलिंग कराई जिसमें 7 विकेट है, तो आप ये चीज़ यहाँ पे देख के चल सकते हैं। इमरान उल्हा को इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे नहीं, 11 मैच में सिर्फ 19 रन है, 6 का एवरेज और बॉलिंग भी कुछ खास कराई नहीं है। गुरु सिंह दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अगर आप इनका देखेंगे 4 मैच खेले हैं, 74 रन भी बनाए हैं 25 के एवरेज से, और 4 मैच में 6 ओवर की बॉलिंग भी कराई जिसमें 2 विकेट है, तो इनको आप लोग ट्रंप बनाना चाहें तो इनको बना सकते हैं, मैं यहाँ पे टिक लगाना भूल गया, पर ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वसीम सरदार, 17 मैच में 9 ओवर की बॉलिंग 4 विकेट, तो ठीक ठाक किया इन्होंने भी, हालांकि बॉलिंग काफ़ी कम कराई है। उसके बाद यहाँ पे दिनेश ठाकुर, 2 मैच में 2 ओवर 0 विकेट, तकीर सरदार 2 मैच में यहाँ पे इन्होंने कुछ 2 मैच खेले जिसमें इनको ना बॉलिंग मिली है ना बैटिंग मिली है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे नहीं। प्रताप जगताप, 14 मैच में सिर्फ 14 रन 7 का एवरेज, तो ये भी कोई खास है नहीं, इन पर आप ध्यान मत देना। उसके अलावा यहाँ पे अली वक्र और सौरभ ककारिया, ये लोग दोस्तों ठीक ठाक हो सकते हैं, क्योंकि इनका देखेंगे तो अली वक्र ने 25 मैच खेले 42 ओवर बॉलिंग करा जिसमें 18 विकेट, तो इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद यहाँ पे सौरभ ककारिया, इनका देखेंगे 14 मैच 15 ओवर की बॉलिंग 9 विकेट, तो इस तरह से रहा है। तो ये हो गई दोस्तों BCCI की टीम की बात। अब हम लोग यहाँ पे UCCI की टीम के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे UCCI की टीम के तरफ से बात करें तो अभिमन्यु सिंह, आपको अगर आप इनका देखेंगे तो ओवरऑल ये आपको लगभग ओपनिंग करते हुए दिखेंगे और अच्छे खासे प्लेयर हैं, 27 मैच खेले हैं, 388 रन है, 18 का इनका एवरेज रहा है,
और यहाँ पे इन्होंने 27 मैच में 5 ओवर की बॉलिंग कराई जिसमें 0 विकेट। तो बॉलिंग से उम्मीद मत करना, बैटिंग से लगभग इन्होंने ठीक ठाक किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पीयूष सिंह है, 26 मैच में 402 रन है, 20 का एवरेज है, 18 ओवर की बॉलिंग कराई जिसमें 12 विकेट है। तो लगभग इनका भी ठीक ठाक है, 20 के एवरेज से रन्स भी बनाए हैं, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कराई और विकेट भी निकाले हैं, तो ये ठीक ठाक हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आयुष शर्मा है, 21 मैच में 348 रन, 27 का एवरेज, 16 ओवर की बॉलिंग जिसमें 7 विकेट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि 27 के एवरेज से इन्होंने रन्स भी बनाए हैं और 21 मैच में 16 ओवर भी कराए हैं जिसमें 7 विकेट भी है, तो ये ठीक ठाक है। उसके बाद यहाँ पे प्रमोद बगोली, 25 मैच 190 रन, 10 का एवरेज, 44 ओवर की बॉलिंग कराई है 25 मैचेस में से जिसमें 12 विकेट हैं, तो ये भी ठीक है। श्याम जोशी 24 मैच सिर्फ 99 रन, इंपॉर्टेंट रहेंगे नहीं। उसके बाद यहाँ पे अमित पंगरकर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 21 मैच में सिर्फ 26 रन हैं। उसके अलावा यहाँ पे मुस्तफ़ा नवाब 20 मैच खेले, 62 रन इन्होंने बनाए हैं 9 के एवरेज से। तो इन्होंने बैटिंग से कुछ खास नहीं किया है पर यहाँ पे दोस्तों बॉलिंग इन्होंने काफ़ी यहाँ पे कराई है, 20 मैच में 38 ओवर 21 विकेट, तो लगभग अपने कोटे के दो दो ओवर कराए हैं और अच्छे खासे इन्होंने विकेट भी निकाले, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे घनश्याम कुमार हैं, 19 मैच में 60 रन, 10 का एवरेज, 6 ओवर 2 विकेट, तो ये उतने कुछ खास है नहीं। अर्पण शुक्ला 14 मैच 23 ओवर 8 विकेट, अली शिटर 29 मैच 48 ओवर 18 विकेट, तो इसी तरह आप यहाँ पे सबका देख के चल सकते हैं। मनीष जांगी 3 मैच में 4 ओवर 3 विकेट, विक्रांत गोडरा 2 मैच में 3 ओवर 2 विकेट। मीट पारेख का स्टार्स मुझे मिला नहीं है, अगर मिलता है तो टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूंगा, वैसे अगर नहीं मिलेगा तो फिर इंपॉर्टेंट ये है नहीं। उसके बाद यहाँ पे वत्सल कंसरा 4 मैच में 8 रन, 4 का एवरेज। उसके बाद यहाँ पे रुतराज मगेरे हैं, इनका देखेंगे 9 मैच खेले हैं, 56 रन है, 14 का एवरेज है, 3 ओवर की बॉलिंग कराई जिसमें 1 विकेट है। जाहिद इकबाल 11 मैच 22 ओवर 10 विकेट। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अमनदीप बिंद्रा, इनकी बात करें तो इन्होंने 11 मैच खेले हैं T10 में, 22 रन बनाए जिसमें 5 विकेट हैं, तो लगभग दोस्तों इन्होंने भी पूरे ओवर कराए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप यहाँ से देख के सबका चल सकते हैं। अब दोस्तों जो मैंने फिलहाल स्मॉल लीग की टीम बनाई है आप लोगों के लिए वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि टॉस के बाद जो मेरी फाइनल टीम होगी वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम पर ही देने वाला हूँ, और टॉस से पहले भी अगर कोई न्यूज आती है तो वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम पर ही देता हूँ, तो इस वजह से आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग जुड़ जाइए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपनी टीम देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग जब अपनी टीम क्रिएट करने विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में, ए सिंह, एस ग्रोवर, एन मुरलीधरन, उसके बाद यहाँ पे एम उषामा। तो इन चारों में बात करें तो यही दोनों बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, बाकी ये दोनों खेलते भी हैं तब भी उतने अच्छे नहीं रहेंगे। तो इन दोनों में दोस्तों बात करें तो ए सिंह थोड़े ज़्यादा अच्छे रहेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है ये ओपनिंग पर आएंगे, और एक इनका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 16 का एवरेज है और ए सिंह का 18 का एवरेज है, तो मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए ए सिंह को लिया है। बाकी हम लोग बैटिंग ऑर्डर देखेंगे कौन यहाँ पे ऊपर आएगा, हम लोग उसी को यहाँ पे लेके चलेंगे, फिलहाल के लिए मैंने ए सिंह को यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में चलें तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जेड महमूद का ऑप्शन है, एस साकिब मुख्तार का ऑप्शन है, जी सिंह ऑप्शन में रहेंगे, ए शर्मा भी अच्छे ऑप्शन में रहेंगे, तो ये 4 अच्छे ऑप्शन स्मॉल लीग के लिए रहेंगे। बाकी मैंने सबका स्टार्ट्स आपको यहाँ पे दिखा दिया वीडियो में, अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो आपको यहाँ पे पता होगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने यहाँ पे जो हाई सेलेक्शन वाले प्लेयर हैं इन दोनों को ही मैंने अपनी टीम में नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे जी सिंह को लिया है, ए शर्मा को लिया है, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी आपको दिखाया जी सिंह ने यहाँ पे अच्छी खासी हिटिंग भी की हुई है और इन्होंने कुछ ओवर की बॉलिंग भी कराई हुई है, विकेट भी निकाले हैं, तो ये मुझे ठीक लग रहे हैं। उसके अलावा ए शर्मा, इन्होंने ये भी बॉलिंग कराते हैं, पार्ट टाइम बॉलिंग कराते हैं और अच्छी खासी बैटिंग की है, 27 के एवरेज से इन्होंने T10 में रन्स भी बनाए हैं, तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को लिया है। आप लोग चाहें तो इनमें से किसी की जगह इन दोनों के साथ भी जा सकते हैं, मैंने फिलहाल के लिए इन दोनों को नहीं लिया, मैंने यहाँ पे इन दोनों को ही लिया है। बाकी नीचे बात करें तो नीचे इनमें से कोई खास ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, तो इनमें से जो भी खेलेगा मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में जी सिंह और इस शर्मा को ही लिया है। अब यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में चलें तो दोस्तों यहाँ पे एस भुयान, एम नवाब, पी बघेल, जे इकबाल, पी बगोली, मैंने यहाँ पे इन 5 ऑलराउंडर्स को लिया है। आप लोग चाहें तो इनमें से किसी एक को कम करके यहाँ पे जे इकबाल या फिर पी बगोली, इनमें से किसी एक को कम करके यहाँ पे एक बैट्समैन बढ़ा सकते हैं, मैंने फिलहाल के लिए
नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे इन पांचों को लिया है। अब यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में पहले यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों बात करें तो आर सिंह बिष्ट, इनकी दोस्तों बात करें ये भी एक ठीक ठाक ऑप्शन है। हालांकि इनका बॉलिंग का कंफर्म नहीं रहता, कभी एक ओवर कराते हैं कभी नहीं भी कराते हैं, क्योंकि बॉलिंग उतनी ज़्यादा इन्होंने कराई नहीं है, तो इस वजह से मैं ले नहीं रहा हूँ। बल्ले से भी कोई खास इनका रिकॉर्ड है नहीं, बाकी नीचे इनमें से कोई खास ऑप्शन है नहीं, तो इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए मैंने इन पांचों को लिया है। यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में चलें तो यहाँ पे दोस्तों ए फराद इंपॉर्टेंट रहेंगे, अपने टीम के इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, लगभग दो दो ओवर डालते हैं। जेड इकबाल भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, थोड़ी बहुत ये बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग तो कराएंगे ही, तो इंपॉर्टेंट है। अली वक्र, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है और अच्छे खासे ये प्लेयर हैं, तो मैंने यहाँ पे इन तीनों को लिया है। इनके अलावा दोस्तों यहाँ पे ए शुक्ला और यहाँ पे नीचे यहाँ पे ए हसन सिटर, ये लोग भी अच्छे ऑप्शन हैं। इनको फिलहाल मैं नहीं ले पाया हूँ, पर आफ्टर टॉस हम देखेंगे, अगर मुझे लगेगा इनको लेना चाहिए फिर हम इनको लेके चलेंगे। फिलहाल के लिए मैंने नहीं लिया, ये लोग भी अच्छा खासा स्टार्ट रखते हैं। उसके अलावा ए बिंद्रा भी ठीक ठाक ऑप्शन है, इनको ट्राई करना चाहें आप इनको भी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों बिंद्रा भी ठीक ठाक है क्योंकि इन्होंने भी पूरे ओवर डाले हैं, तो ये भी ट्राइबल ऑप्शन है। तो यहाँ पर ए हसन सिटर, शुक्ला और यहाँ पर बिंद्रा, तो ये तीनों अच्छे ऑप्शन है। इन्होंने भी लगभग अच्छी खासी ओवर की बॉलिंग कराई हुई है। फिलहाल के लिए मेरी टीम में जगह नहीं बन पाई है, पर आफ्टर टॉस अगर मुझे लगेगा इनमें से किसी को लेके चलना चाहिए तो फिर हम लेके इनको चलेंगे। उसके अलावा बाकी नीचे इनमें से यहाँ पे कोई खास ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैंने वक्र को ही लिया है। तो फिलहाल दोस्तों जो मेरी यहाँ पे टीम बन रही है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। अब यहाँ पे सीवीसी ऑप्शन की बात करें तो आपके पास दोस्तों यहाँ पे सीवीसी के जो अदर ऑप्शन रहने वाले हैं वो यहाँ पे एम नवाब, ए शर्मा, उसके अलावा एस भुयान और पी बघेल को तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। उसके अलावा आप लोग नवाब और शर्मा के साथ भी सीवीसी जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरी ये टीम है। अगर इस टीम में दोस्तों कुछ भी चेंज होगा तो आफ्टर टॉस आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो उसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।